ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल में रात 10 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगाने को मंजूरी। इंडोर कार्यक्रम अब 50-20 क्षमता के साथ हो गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। मैरिज पैलेस बैंक्वेट हॉल में इंडोर क्षमता के 50% के साथ ही कार्यक्रम हो पाएंगे। इंडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर आदि बंद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्कूल अभी बंद है, जरूरत हुई तो इस पर फैसला लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन से चर्चा की जाएगी। अंतर्राज्यीय बसों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। आउटडोर कार्यक्रमों में भीड़ पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 30 सितंबर 2021 तक शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में 4 वर्ष पूरे कर लिए, ऐसे 1782 जलवाहकों को लाभ होगा। वर्तमान जो कोविड-19 की स्थिति है उस पर विस्तृत प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। कोविड-19 के एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी जो है वो नोटिस की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 800 से अधिक केसेस जो है वो एक्टिव केसेस के हो गए हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने कुछ एक विषयों पर जो है वो निर्णय लिए हैं, जिसमें रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा प्रदेश में। इसके अलावा सारे प्रदेश भर में जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्पा हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, स्टेडिया हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं और लंगर हैं जो गुरुद्वारा इत्यादि में कहीं भी होता है, इन पर जो है वो कंप्लीट जो है बंदिश रहेगी, प्रतिबंध रहेगा, ये नहीं खुलेंगे। और मंत्रिमंडल ने जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें भी जो है वो जितनी इंडोर कैपेसिटी है उसके 50% पर ही वो हो सकेगी, उससे अधिक जो है वो फॉर्मेट नहीं हो सकेगी। चाहे ये मैरिज प्लेसेस हैं, ये बैंक्वेट हॉल्स हैं, किसी प्रकार की गैदरिंग,